ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए ऑल न्यू TVS जुपिटर ग्रैंडे का एक्चुअल शोरूम लुक। जी हाँ दोस्तों, आपकी नियरेस्ट TVS शोरूम्स में आ चुकी है। अगर आप ये स्कूटर लेना चाहते थे, TVS जुपिटर ग्रैंडे लेना चाहते थे, तो अपना नियरेस्ट TVS शोरूम विजिट कर सकते हो। वहाँ पर इसकी आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। आप में से जो लोग हैं इसको जो ले चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसकी राइडिंग को लेकर जरूर शेयर करिएगा अपने व्यूज़। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे दोस्तों जिसका फ्रंट प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इसके फ्रंट का अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये एक फ्रंट व्यू आप इसका पूरा ले रहे हो। यहाँ पे नीचे की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्रोम इंसर्ट है वो आप देख सकते हो, तो आगे से कोई डाउट नहीं है इसमें। बहुत ही एक बोल सकते हैं ब्यूटिफाइड स्कूटर लगती है, अट्रैक्टिव स्कूटर लगती है। फ्रंट की यहाँ पे बात करते हैं, एप्रन की बात करते हैं, तो आपका जो इंडिकेटर इंसर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इलॉन्गेटेड पूरा क्लस्टर आपको प्रोवाइड किया गया है। इधर आपकी जो TVS की ब्रांडिंग है वो आप देख रहे हैं, ये आपको क्रोम पे प्रोवाइड की गई। साथ में जो ग्रैंडे की ब्रांडिंग है वो भी आप यहाँ पे देख रहे हो। इधर आपका दोस्तों जो हेडलैम्प है, तो आपको इसमें पूरा लैम्प्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रंट का दोस्तों सबको शेयर कर दिया है। चलते हैं व्हील्स की तरफ, और जो इसका व्हील है वो भी आपको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक है वो प्रोवाइड किया गया है, ये आप देख सकते हो। जो व्हील साइज़ है वो है 12, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशनड है, जो आपका 90/90/12, तो अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। तो डिज़ाइन तो इसकी बहुत बढ़िया लग रही है। साथ में जो सिंक ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है, जो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों अब चलते हैं स्कूटर के साइड में, और जिसका साइड लुक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो साइड का भी आपको अच्छे से पूरा प्रीव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा चलते हैं पीछे की तरफ, और यहाँ पे इधर से भी आप कंप्लीट लुक पूरा ले लीजिए, तो यहाँ पे एक अच्छे से पूरा आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे जो बेस फिनिश यूज़ करी गई ये बहुत बढ़िया लग रही है, और जो कलर है इसका इससे बहुत उम्दा मैचिंग मिलती है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है ज़रूर बताइएगा। एग्जॉस्ट की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी क्रोम प्लेटिंग मिलती है, ये आप देख सकते हो। बाकी डस्ट की फिनिश पे पूरा ये एग्जॉस्ट प्रोवाइड किया गया है। जुपिटर की ब्रांडिंग है वो आप देखते हैं यहाँ पे क्रोम पे प्रोवाइड की गई है। जो आपका रियर व्हील है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आ गए दोस्तों स्कूटर के पीछे, तो जो पीछे का लुक है वो आप यहाँ पे ले रहे हैं। इधर आपका जो टेल लैंप्स हैं आपको कन्वेंशनल मिलते हैं, आपका जो इंडिकेटर है सॉरी वो आपको कन्वेंशनल मिलता है, आपका जो ब्रेक लाइट है ये आपको LED पे प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पे जो आपका फ्यूल इंटेक है वो आप देख रहे हैं, आपको एक्सटर्नल फ्यूलिंग मिलती है, तो आपके कंफर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दूसरी साइड की बात करते हैं, तो उसका भी पूरा प्रीव्यू आप ले सकते हो। इस साइड से भी आपको पूरा स्कूटर अच्छे से दिख जाएगा। इधर भी आप देखते हैं, तो जुपिटर की ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। अपना आप जो फ्यूल लिड है और आपकी जो अंडर कंपार्टमेंट वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इसकी स्पेसेस हैं पहले मैं वो आपको शो करना चाहूँगा। तो इधर आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है, ये आपको एक आइडिया लग रहा होगा। साथ में अपना जो मोबाइल चार्जर है वो आप अलग से यहाँ पे लगवा सकते हो। इसको दोस्तों कर देते हैं बंद, और अब साइड का फ्रंट का सब कुछ मैंने आपको शो कर दिया है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा स्कूटर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ग्रैब हैंडल है बहुत ही ब्रॉड ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है, पूरा सिल्वर फिनिश पे दिया जाता है। सीट्स आप देखते हैं यहाँ पे बहुत ही टेक्सचर्ड ब्रॉड सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, और बहुत अच्छी लग रही हैं ये। जो लोग भी जुपिटर चला रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि आपको सीटिंग कैसी लगती है, कंफर्टेबल लगती है कि नहीं लगती है। सीट्स बहुत ही ब्रॉड हैं, और यहाँ पे सॉफ्टनेस भी आप सीट्स की देख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप देख रहे हो, तो जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका एक हाईलाइट है, आपको यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाता है। यहाँ पे आपका जो डिजिटल क्लॉक है, आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, फ्यूल गेज, आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आपका जो स्पीडोमीटर है आपको यहाँ पे ये एनालॉग फॉर्म में दिया गया है। पावर इको मोड्स भी अवेलेबल हैं, बाकी जो नॉर्मल सिग्नलिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हैंडल्स की दोस्तों बात करते हैं, आपका जो हाई बीम लो बीम है, आपका जो इंडिकेटर है, आपका जो हॉर्न है, नीचे आपको यहाँ पे चोक भी प्रोवाइड कर दी गई है। दूसरे साइड आपका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच है वो आपको अवेलेबल है। ORVMs की दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो क्रोम इंसर्ट्स हैं ORVM में भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। तो ब्यूटिफाइड एक स्कूटर प्रोवाइड करने की कोशिश की है कंपनी ने, कुछ हद तक कामयाब भी हुई है। आपको अगर ये स्कूटर अच्छी लग रही है तो ज़रूर जो लाइक बटन है उसको हिट करिए। अगर आपको ये स्कूटर अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लगती है, तो आप डिसलाइक बटन भी हिट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इसके जितने भी फीचर्स थे, फंक्शनैलिटी थी, पूरी स्कूटर थी, वो सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। जो भी इसके फिटमेंट्स थे, जो भी फिनिश थी, वो सब आपको आइडिया लग गया होगा। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई क्वेरी होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ चैनल को, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।